बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ डॉक्टर सुगरा सदफ और पिलाक लोक स्टूडियो तो तुहानू जी आनू आखनी हाँ। असी एक नवा सिलसिला शुरू किया है कि जिहड़े गुलूकार हुण इस दुनिया विच मौजूद नहीं लेकिन उन्हां दे गाने बड़े मशहूर ने, असी उन्हां नू याद करन दा यह सिलसिला शुरू किया है कि अज की पीढ़ी कोलों उन्हां दे गाने गवाने आ। अज असी जिक्र कर रहे हैं एक ऐसी गुलूकारा दे हवाले नाल कि जिन्हां ने बहुत घट गाया, बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं गाया लेकिन उन्होंने जितने भी गाने गाए ने बड़े मशहूर होए और कुछ गाने तो ऐसे ने कि जिहड़े हर वेले साढ़े आले दुआले किधरे ना किधरे गूंजते रहते हैं। असी रेडियो ते सुनने आ और बाकी जिहड़ा मीडिया उहदे ते वी असीं गाने सुनते रहने। एक गाना जिहड़ा मैनू चेते आंदा है और मैं अपने बचपन तो रेडियो पाकिस्तान फिर उस तो बाद भी सुनती रही हाँ, रब खैर करे। और ये गाना गाण वाली ने शायद अपनी रूह नाल अपने दिल नाल वह सारे एहसासात और कैफियात नूं बयान किया है कि जिहड़ा जदों बंदा किसी लिए दुआ करता है तो वह कहिंदा है तो रब खैर करे, साढ़े सब दे दिल की एक दुआ है और अपने प्यारियां लई भी जिन्हां नाल असीं मुहब्बत करने आ, अपने वतन लई सब लई। तो यह एक ऐसा गाना है कि एक हर दिल की आवाज़ बन गया। तो असीं अज याद कर रहे हैं जीनत बेगम नूं, उन्हां दी अज बरसी है तो उन्हां दा पहले गाना सुनने फिर उन्हां दे बारे च गलबात करने आ। तो साढ़े नाल नवीं पीढ़ी दियां बहुत ही खूबसूरत गुलूकारा ने तो इन्हां नाल मैं थोड़ी गल भी करनी आ। तुसीं अपना तारफ आप ही करवाओ ज़रा, तुहाडा नाम की है? ज़रलश नईम। तो तुसीं कदों दे गा रहे हो? ਮੈਨੂੰ 3 साल ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 साल ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਮਾਨਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ रब खैर करे रब खैर करे पई अख फड़के रब खैर करे पई अख फड़के दिल तड़के बिजली पई कड़के दिल तड़के बिजली पई कड़के नाले हंजुआ चढ़ी लगाई उतों वसदा मी छम 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 रब खैर करे बिजली पई कड़के दिल तड़के बिजली पई कड़के नाले हंजुआ चढ़ी लगाई उतों वसदा मी छम 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 रब खैर करे याद महीनू करनिया
बिजली पई कड़के दिल तड़के बिजली पई कड़के नाले हंजुआ नदी वगाही उतो वसदाए मी चम 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 रब खैर करे रब खैर करे। वाह वाह माशाल्लाह, मैं तो गुमसुम माँ हैरान भी हाँ कि वह सारी फिजा मेरी अखा के सामने आ गई कि जिस तरह एक गाना है जिद बिजली कड़क रही है नेरा है और एक खैर की दुआ मंगी जा रही है और जिस तरह फिर तुसी गाया है माशाल्लाह इतना खूबसूरत और बड़िया उम्मीदा सानू अपनी नवी नस्ल तो कि ये उस पैगाम नू लैके बड़ी कामयाबी नाल अगे वधणगे। जीनत बेगम बारे असी गल कर रहे हैं और 1920 लाहौर च पैदा हुई और छोटी उम्र तो उन्होंने गाना शुरू करता, तकरीबन 1937 उन्होंने गाना शुरू किया लेकिन उन्होंने मकबूलीयत तां मिली जदों 1944 लाहौर तो बंबई गई और जाहिर है कि बंबे फिल्म इंडस्ट्री के वल नाल एक वड्डा और मारूफ शहर से, उत्थे जाके उन्हां दी वड्डे वड्डे मौसीकारां नाल मुलाकात हुई और उन्होंने वड्डे वड्डे मौसीकारां नाल काम भी किया जिहड़े कि उस दौर के बड़े नेक नाम और हुण भी वह मन्ने जाते हैं जिस तरह मास्टर गुलाम हैदर और बाकी मौसीकार सन। उन्होंने बहुत ही मारूफ गाने गाए और उन्होंने किस्मत कि उन्होंने अच्छे गाने लभे, अच्छे मौसीकारा का साथ लभा और कई जड़िया बहुत ही मशहूर फिल्मों ने उन्होंने गाने उन्होंने गाए लेकिन रब वालों उन्होंने उम्र बड़ी घट लभी और 1966 अज के दिन यानी 12 नवंबर वो रब को तुर गई लेकिन अपनी आवाज़ का जादू साढ़े को छड़ गई। बहुत सोहने गीत असी उन्हों का एक होर गीत तुहानू इस वेले सुनाने और इस गीत नू पेश कौन करेगा? तुहाड़ा नाम की है? उमेर बाब। उमेर बाब, तुसी दोए भैणा हो जी? माशाल्लाह। ते तुहाड़े कौन ने उस्ताद कौन ने? उस्ताद ताहिर इकबाल। ताहिर इकबाल माशाल्लाह बड़े गुन्नी उस्ताद ने और बड़ा कम है। ते तुसी भी 2-3 साल तो गा रहे हो जी? अच्छा, ते की सुना रहे हो? मैं आवे पंछी देस दिया। वाह सुभान अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आवे पंछी देस दया के खन भूले सुना
माशाल्लाह पंछी नू दरखास्त की जा रही है कि वह आवे तो देश की गल सुनाए। वह देश के जड़ा बाबल का देश है। यह गाना सुनद्या पूरा मंजर अखा के सामने आ जाता है कि जदों ना ये मीडिया सी, ना गड्डिया सन, ना बसा सन, ना जहाज सन, लोग पैदल टुरते सन और फिर बड़ी देर देर बाद अपने रिश्तेदारा माँ प्यो नू मिलते सन। उस वेले फिर धियां जड़ियां कि दूर विआही आंदियां सन वह इहो जिहे गाने गांदियां सी और परिंदियां नाल अपने दिल का हाल कहंदियां सी। वह कहंदे ने कि कां बोलिया कोठे ते लगदा कुछ आण कोई मेहमान आने वाला है। तो परिंदियां नू एक अपनी दिल की गल दस के ते अपने आप में एक तसली देनी और अपने बाबल दे देश नूं याद करना। बहुत ही खूबसूरत असी नगमे सुने, जीनत बेगम नूं असी याद किया। तो मैनू जिस चीज़ की ज़्यादा खुशी है वो ये है कि आज जिहड़ियां साड़ियां दो नौजवान बहुत ही खूबसूरत गुलकारा ने साढ़े नाल जरलिश और उम्मे रुबाब, उन्होंने इतना सोहना गाया कि दिल विच खुब गया। और मैं पूरे वसूक नाल पछीन गोही करनी हाँ, पहले भी बड़िया पछीन गोईया कीतिया ने, सारिया सच साबित हुई ने, क्योंकि बहुत सारे गुलकारा ने अपने सफ़र का आगाज़ ऐसे दायरे तो किया। असी मुख्तलिफ मुकाबले करने आ, हीर गायकी दे, सैफर मलूक दे, बाकी मिली नगमें दे, ते साढ़े कोल कुछ गुलकार आए जिन्होंने आगाज़ ही इत्थों किया, वह अज इस मुल्क दे नामवर गुलकार ने। तो मैं बिल्कुल बड़े वसूक नाल पछीन गोई करनी हाँ कि रब दे करम नाल ये दोए भैणा जिहड़ियां ने ये माशाल्लाह बड़ी तरक्की करनगियां और बड़ियां उपर जाणगियां। और मैं इन्हां नूं ये जरूर कहांगी कि हमेशा हलीमी और रवादारी नाल टुरना और रब दा करम मंगना, क्योंकि असी जितने भी मर्जी लायक हो भी साढ़े को जितना इलम है, क्योंकि मौसीकी भी बहुत वड्डा इलम है, करम नाल नाल जरूर मंगना चाहिए। तो इतना अच्छा गाया, मैं बहुत ही तुहाड़ी मुबारकबाद भी देनी हूँ और दुआगू भी हाँ और तुहाड़े उस्ताद नूं भी मुबारकबाद देनी हूँ कि वह भी एक बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, क्योंकि जड़ी म्यूजिक नूं फैलाना ये भी मुहब्बत और अमन की गल करना है। जदों असी मौसीकी की गल करने तो मुहब्बत अमन रवादारी की गल करने और उस्ताद ताहिर इकबाल ने अकैडमी के जरिए बड़े लोगों को तालीम दी और बड़े लोगों सामने लैके आए। पिलाक की भी यह जिम्मेदारी है और पिलाक लोक स्टूडियो असं इसे लिए बनाया है कि तुहाड़े जे जिहड़े नवें साढ़े गुलकार ने सामने आन। तो साढ़े नाल जनाब अज सन म्यूजिशियंस मुजावर अब्बास साहब, उमरदीन साहब और जहाँ जेब, तुहाड़े सब लई बड़ियां दुआवां और मैनू इजाजत दिओ, रब राखा।